हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए ये लेके आए हैं सामान्य ज्ञान में। सामान्य ज्ञान की जानकारी के लिए ये सभी एग्जामों में कंपलसरी है, ये सब में पूछे जाते हैं। ये क्या हैं, जैसे जनरल नॉलेज में पूछा ही जाता है हर जगह कि किसी का दे दिया उपाधि, उपाधि देने के बाद क्या करते हैं, अब पूछ लिए कि प्राप्तकर्ता का नाम बताओ। चलो जब प्राप्तकर्ता है ना सही, तो दाता का नाम बताओ। दाता मतलब देने वाला, कि मतलब ये नाम किसने दिया है, ये पूछ लेते हैं अक्सर। तो उसमें आप लोगों के लिए ये हम लेके आए हैं। इसमें ये है कि पहला है क्या, गुरुदेव। तो गुरुदेव में क्या है, तो गुरुदेव उपाधि है। तो उपाधि में दिया कौन है, महात्मा गांधी ने दिया है गुरुदेव की उपाधि, और किसको दिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो पहला है कि गुरुदेव किसकी उपाधि है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की उपाधि है। और दिया किसने है ये उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर को, महात्मा गांधी ने दिया है। और महात्मा किसकी उपाधि है, तो महात्मा गांधी की उपाधि है। तो महात्मा गांधी की उपाधि है और दिया किसने है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। तो महात्मा गांधी की उपाधि महात्मा हो गया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। एक तरह से आप ये सोच सकते हो, एक दोनों में एक क्रम बन रहा है, इसमें इसमें और इसमें, दोनों में क्रम बन रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का उपाधि क्या है, गुरुदेव, गुरुदेव है। और दिया किसने है, महात्मा गांधी ने दिया है। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने नाम दिया है, महात्मा गांधी को उपाधि जो दिया है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। तो इस तरह से दोनों तो हम याद कर सकते हैं कि गुरु महात्मा, गुरु जो होता है महान होता है, तो इसी तरह से याद कर लीजिएगा आप, गुरु जो होता है वो महान होता है। तो जब गुरु महान है, तो मतलब महान मतलब महात्मा गांधी, तो गुरु गुरु महान है, गुरु महान। तो इस तरह से आप याद कर लोगे, गुरु को महात्मा गांधी ने उपाधि दिया है, और महात्मा तो महात्मा गांधी के रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। अब नेताजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं ना, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं, तो उनकी उपाधि है नेताजी, और इसको दिया था एडोल्फ हिटलर ने, एडोल्फ हिटलर ने उपाधि दिया था। और उसके बाद ये है सरदार, सरदार किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तो नोन है कि हम सभी जानते हैं, फिर भी क्वेश्चन आने पर कभी कभी गलत हो जाता है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार उपाधि किसकी है, वल्लभ भाई पटेल की उपाधि है। और ये दाता यानी बारदोली की महिलाएं, बारदोली की जो महिलाएं थी, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दिया था। और देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने दिया था उपाधि, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दिया था। और कायदे आजम, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं। तो कायदे आजम की भी उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी। कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने दिया था। और देश नायक जो है, देश नायक किसे कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को। देखिए यहाँ पर नेताजी भी सुभाष चंद्र बोस को ही कहते हैं, और देश नायक भी किसे कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को। तो नेताजी और देश नायक, जो नेता होगा वही देश का नायक होगा। तो देश नायक और नेताजी, ऐसे आप इसमें कॉम्बिनेशन मतलब दोनों में संबंध पैदा कर सकते हैं कि नेताजी जो जो नेता होगा वही देश का नायक होगा। तो देश नायक कौन हुआ, सुभाष चंद्र बोस हुए। और सुभाष चंद्र बोस को कौन दिया, ये रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी दिए। और ये विवेकानंद हैं, स्वामी विवेकानंद को, विवेकानंद की उपाधि किसने दी, महाराजा खेतड़ी ने, किसने दिया, महाराजा खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी है। अब आता है कि राष्ट्रपिता किसने कहा महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, सब जानते हैं कि महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं। तो राष्ट्रपिता किसने, ये तो राष्ट्रपिता उपाधि है महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की उपाधि राष्ट्रपिता है, महात्मा है, तो महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि दिया था। और राजा, राजा की उपाधि किसकी है, राजा की उपाधि है राजा राम मोहन राय की,
राजा उपाधि है राजा राम मोहन राय की उपाधि, और इसको किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। मैंने आप लोगों को इसलिए ये सब बता दिया कि कभी कभी क्या होता है कि आपको सिर्फ उपाधियां दे दिया जाता है, उपाधि दे दिए और उससे पूछ लेते हैं कि अच्छा बता दीजिए। मेनली ज़्यादातर तो पूछा जाता है इनका इनका इनका, फिर उसके बाद पूछ लिया जाता है देश रत्न, देश नायक, राजा, राष्ट्रपिता तो हैं महात्मा गांधी, इनको भी 9, 10 ये जो है ये राष्ट्रपिता और राजा ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इसको भी बोलते हैं। इन दोनों में तब कॉम्बिनेशन गुरु जो होता है महान होता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी एक दूसरे से हैं, और नेता वही होगा जो देश का देश का नायक कौन होगा? जो नेता होगा वही देश का नायक होगा, तो मीन्स कि नेता वही होगा जो देश का नायक होगा, तो नेता जी और देश का नायक, तो ये दोनों ही उपाधियाँ किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की हैं। और देश रत्न, देश रत्न मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी इनको हम जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो देश रत्न हम इन्हें कह सकते हैं, देश रत्न, देश रत्न, देश के रत्न, मीन्स कि जो अच्छा व्यक्ति होगा उसी को हम चुन के कहीं भी लाते हैं ना, तो उनके अंदर खासियत थी, इनको हम देश रत्न कह सकते हैं। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, देश नायक सुभाष चंद्र बोस, नेताजी नेता वही होगा जो देश का नायक होगा, विवेकानंद महाराजा खेतड़ी, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस ने दिए हैं, राजा, राजा राम मोहन राय से प्रश्न निश्चित बनते हैं, एक राष्ट्रपिता को मान लीजिए और राजा को, इनको, और इधर लगभग सभी जितने मैंने दिए हैं, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली की महिलाएं, बारदोली सरदार वाला क्वेश्चन भी आता है, तो ये सभी एग्ज़ाम अधिकतर ये टेट सुपर टेट और ये जो एग्ज़ाम हैं ये लोअर के एग्ज़ाम हो गए, सुपर टेट के, यूपी पुलिस, यूपीएससी, लगभग लगभग जहाँ पे भी सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा उसमें ये सब पूछा ही पूछा जाता है, इसमें कोई भी ऐसे कोई भी पॉइंट नहीं है जो इग्नोर कर सके। हाँ, देखने में हल्के लग रहे हैं, ये लग रहा है कि ये तो हमको आता है, लेकिन आता ज़रूर है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में हम जब अपने माइंड में बहुत ज़्यादा जोर देने लगते हैं तो पता चलता है कि गुरुदेव महात्मा हो गए, महात्मा नेताजी हो गए, सरदार देशरत्न हो गया, कायदे आजम देश नायक हो गया, मीन्स कि सब हौच पौच हो जाता है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता, इसलिए इसको मैंने मेंशन कर दिया है लाइटली, इसको ना लेकर के आप लोग इसको कंठस्थ कर लें। मेनली यूपीएससी, यूपी पुलिस वाले, लेखपाल वाले, सुपर टेट वाले, इन सब चीज़ों इन लोगों के लिए ये कंपलसरी है, क्योंकि देखने से हल्के लग रहे हैं लेकिन यहाँ से एक दो क्वेश्चन कम से कम, कभी कभी मिलान में दे देते हैं क्वेश्चन, किस तरह से उपाधि दे दिए उधर से प्राप्तकर्ता के नाम दे दीजिए, कभी कभी प्राप्तकर्ता के नाम नहीं देंगे तो दाता के नाम दे देंगे कि देने वाला कौन था, इन उपाधियों को देने वाला कौन था, तो अगर आप जानते रहेंगे इन उपाधियाँ किसकी हैं तभी आपको जानकारी होगी कि देने वाला कौन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल इस तरह से आप करिए। और मैं इस तरह से जो एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी है पॉइंट टू पॉइंट ऐसे ही क्वेश्चंस, क्वेश्चन क्या टॉपिक, छोटे छोटे सिलेक्टेड पॉइंट ले आऊँगी जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम को क्लियर करने में, एग्ज़ाम के मॉडल को समझने में आराम हो। ये किसी कंपलसरी या मतलब किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं है, सभी एग्ज़ाम के लिए, आप लोग इसको बस याद करिए। इसी तरह से मैं छोटा छोटा पॉइंट करके ले आऊँगी और इसी तरह से मैं आपको रटवा दूँगी सब, आपको याद ही हो गया होगा, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी, महात्मा, महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेता वही होगा जो नेता कौन होगा, जो देश का नायक होगा वही नेता होगा, सरदार, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदोली की महिलाओं ने दिया था, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी ने दिया, और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी ने, देश नायक सुभाष चंद्र बोस रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया, विवेकानंद स्वामी विवेकानंद, महाराजा खेतड़ी, थोड़ा यही टफ है महाराजा खेतड़ी, बाकी तो सब, और एडोल्फ हिटलर, बाकी तो सभी कहीं ना कहीं आप लोग सुने ही होंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजा, राजा राम मोहन राय, अकबर द्वितीय, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको बिल्कुल रट डालिए, बिल्कुल इग्नोर ना करें। थैंक यू।